हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज मैं आपको कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में बताने वाली हूँ जो कि दुबई या यूएई में है। एक्चुअली जब आप गूगल में सर्च करते हैं या गूगल मैप के थ्रू जाते हैं तो आपको वहाँ कंपनी शो करती है, बट जब एक्चुअली आप वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपको कंपनी नहीं मिलती है। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। जब मैं शुरू शुरू में दुबई आई थी तो मैंने कंपनी सर्च करना स्टार्ट की कि अगर कुछ जुगाड़ नहीं बन रहा है तो मैं डायरेक्टली कंपनी में जाके सीवी हैंड ओवर करूँ। कुछ लोगों ने मुझे ये वाला मैथड सजेस्ट किया था तो मैंने वो करना स्टार्ट किया था। तो फॉर एग्जांपल मैंने मालन की एक कंपनी है मेधा फार्मा, सुना होगा शायद आप लोगों ने या नहीं, पता नहीं, मैंने पहली बार सुना था। मालन मुझे पता था बट मेधा MED एक मुझे नहीं पता था। तो वो मैंने गूगल में सर्च किया और मैप के थ्रू जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा और मैं वापस आ गई। तो ऐसा भी होता है एक्चुअली। यहाँ पे कुछ कुछ कंपनी आपको शो करेगी गूगल में, बट एक्चुअली वहाँ पे उनका RA ऑफिस या सेल्स ऑफिस होते हैं, एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहाँ पे नहीं होती, तो इसलिए ऐसा होता है। तो चलिए अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको कंपनीज के नाम बताने वाली हूँ। अगर आप लोगों को कंपनी के नंबर या मेल आईडी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं HR का नंबर या मेल आईडी मैं शेयर कर सकती हूँ, बट किसी एम्प्लॉय का, बिकॉज ये एक पब्लिक प्लेस है, यूट्यूब एक पब्लिक प्लेस है, तो मैं वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की मेल आईडी शेयर नहीं कर सकती। बट हाँ, डेफिनेटली अगर आप लोग को चाहिए तो मैं HR का मेल आईडी और कंपनी का नंबर यहाँ पे शेयर कर सकती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दुबई से। दुबई में यहाँ पे एक फ्री जोन है जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, जाबजा करके जाबिल अली फ्री जोन है। तो वहाँ पे जो पहली कंपनी है लाइफ फार्मा, ये अकेला USFDA अप्रूव प्लांट है UAE में, क्योंकि यहाँ पे मैंने खुद भी काम किया है तो यहाँ मैं शुरू यहाँ से ही करूँगी। तो जो लाइफ फार्मा है, जैसा कि मैंने बताया कि USFDA अप्रूव प्लांट है, और यहाँ पे जब आप जाते हैं नियर बाई UAE एक्सचेंज मेट्रो स्टेशन, तो जो लोग आउटसाइड से वहाँ पे आते हैं उनके लिए काफ़ी कन्वीनियंट होता है वहाँ तक पहुँचना, बिकॉज मेट्रो स्टेशन से काफ़ी पास में है। जाबिल अली के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जो फ्री जोन है, जो जाबजा है, वहाँ के लिए आपको जाबजा का ID कार्ड होना जरूरी है टू एंटर दैट एरिया। जैसे कि अगर कोई कंपनी कॉल करती इंटरव्यू के लिए तो वो 1 डे पास इशू करती है, तो ही आप उस एरिया में एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आउटसाइडर्स को अलाउ नहीं होता है वहाँ पे जाना। तो पहली कंपनी हो गई लाइफ फार्मा, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था दुबई में अपने करियर की। तो मेरी दुबई में जो पहली कंपनी थी वो लाइफ फार्मा थी। तो चलते हैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ। तो जो नेक्स्ट कंपनी है वो क्वेस्ट विटामिंस करके है। ये फार्मास्यूटिकल नहीं है, ये न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है, जैसे कि इसका नाम है क्वेस्ट विटामिंस। तो ये भी है जाबजा में। यहाँ के जो प्रोडक्ट है वो विटामिंस है, जैसे कि नाम है इसका। तो नेक्स्ट कंपनी होगी क्वेस्ट विटामिंस। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि क्वेस्ट विटामिन में 5 डेज वीक है, बिकॉज मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए गई थी एक बार, इसलिए मुझे पता है। जब गूगल में आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे टाइमिंग जो है कंपनी का वो कुछ अलग दिखा रहा था, फिर मैं जब इंटरव्यू के लिए गई तो मुझे पता चला कि जो कंपनी का टाइमिंग है वो एक्चुअली उसे मैच नहीं हो रहा। तो मैंने गूगल को सजेस्ट भी किया था उनका टाइमिंग एडिट करने के लिए, जो कि अप्रूव भी हो चुका है। तो अगर आप अभी सर्च करते हैं क्वेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल दुबई तो आपको वहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो नेक्स्ट कंपनी है ग्लोबल फार्मा, दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क 1 में है। इसकी टाइमिंग जो है बहुत सही है, 8 o'clock से 4:30 तक। जनरली कंपनीज का जो टाइम होता है वो 8 to 5 होता है। तो ग्लोबल फार्मा अभी नया मेट्रो लाइन बना है, तो ग्लोबल फार्मा से आप बोल सकते हैं कनेक्टिविटी काफ़ी हद तक सही हो गई। अब नया लाइन स्टार्ट हो गया है तो वहाँ तक पहुँचना थोड़ा कन्वीनियंट हो गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ। जो नेक्स्ट कंपनी है वो है डाबर। डाबर जैसा कि आप जानते होंगे कि इंडिया में भी है, ये कोई फार्मास्यूटिकल नहीं है, ये है FMCG कंपनी, जिसका कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो रसलकेमा में है, लेकिन इसका जो RA ऑफिस है एंड सेल्स ऑफिस है वो है दुबई में जाबजा में। तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो हो गया रसलकेमा में, और इसका जो ऑफिस वर्क होता है लाइक RA वो है जाबजा दुबई में। और मालन का मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, उसका कोई यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, उसका सिर्फ
आरए ऑफिस या सेल्स ऑफिस है, यहाँ पे काफी सारी कंपनीज हैं जिनका की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे नहीं है लेकिन उनका सेल्स ऑफिस और आरए ऑफिस यहाँ पे है। लाइक मेलन हो गया जैसे कि मैंने बताया, फाइजर हो गई, एक बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनका की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दुबई में या यूएई में नहीं है लेकिन उनका आरए ऑफिस है, और इन कंपनीज में आरए की ओपनिंग्स भी आती रहती हैं। तो अगर कोई कैंडिडेट है आरए से तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है फार्मेक्स, ये दुबई साइंस पार्क करके वहाँ पे फार्मेक्स कंपनी है। यहाँ पे मैंने भी अप्लाई किया था बट मुझे चांस नहीं मिला वहाँ पे काम करने का, और यहाँ पे भी 5 days week है। एक्चुअली इंडिया में मैंने काफ़ी जगह पे काम किया है, ऑलमोस्ट 10 years मैंने इंडिया में काम किए इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग ओनली। तो फार्मा में 5 days week बहुत ही कम ऑप्शन मिलता है इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। जो कॉरपोरेट ऑफिस होते हैं या जो आरए से होते हैं उनको ऑप्शन मिल जाता है, बट अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 5 days week मोस्टली नहीं होते हैं कंपनी में। अगर होते भी हैं तो ऑल्टरनेट सैटरडे ऑफ मिलता है, जैसा कि मैंने बताया ग्लोबल फार्मा एंड फार्मिक्स ऑल्सो यहाँ पे 5 days week है। सो अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपनी की। नेक्स्ट कंपनी है नियो फार्मा। तो नियो फार्मा जो है वो अबू धाबी में है, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने मेरी कंपनी, जो मेरी पहली कंपनी थी वहाँ से ज्वाइन किया था लोगों ने। तो अभी दुबई में मोस्टली कंपनी में रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रहे हैं। तो जो नियो फार्मा है ये भी काफ़ी बड़ा ग्रुप है जो कि अबू धाबी में है, लेकिन वहाँ पे अभी रिक्रूटमेंट, उसका जो रीज़न है मैं यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहती, बट वहाँ पे अभी रिक्रूटमेंट्स पूरे तरीके से बंद है। जो नियो फार्मा थी जैसा कि मैंने बताया काफ़ी बड़ा ग्रुप है और वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई ओपनिंग्स आती रहती थी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए रिक्रूटमेंट्स बिल्कुल बंद है वहाँ पे। और अबू धाबी में एक और कंपनी है वेल फार्मा करके, जो कि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही है। और जो नेक्स्ट कंपनी वह है जुल्फर। जुल्फर के लिए थोड़े दिन पहले मैंने कुछ ओपनिंग्स भी शेयर की थी, अगर जुल्फर के आप करियर पेज में जाते हैं, बिकॉज ये काफ़ी बड़ा ग्रुप है यूएई में, तो यहाँ हमेशा कोई ना कोई ओपनिंग हर एक डिपार्टमेंट के लिए आती ही रहती है। तो अगर जुल्फर के लिए आपको देखना है तो जुल्फर करियर आप जैसे ही टाइप करते हैं गूगल में, आपको उसका करियर पेज ओपन हो जाता है और वहाँ आप देख सकते हो। मैं जब भी ओपन करती हूँ जुल्फर का करियर पेज, वहाँ पे मुझे 30-40 ओपनिंग्स हमेशा दिखती हैं। तो ये एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप दुबई या यूएई में जॉब सर्च कर रहे हैं। तो जुल्फर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो दुबई में नहीं है, एक्चुअली वो रसल खेमा एक दूसरे अमीरेट में है। तो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो मोस्टली शारजा में रहते हैं, और वहाँ से उनका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, तो शारजा में स्टे करते हैं और वहाँ से वो अप एंड डाउन करते हैं। तो ये थी कुछ कंपनी जिससे आप लोगों को यहाँ पे जॉब सर्च करने में हेल्प मिल सकती है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप लोगों को नंबर कंपनी का ये HR मेल ID चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।